कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं तुझे, कैसे दिखाऊं। दो पल की खुशी के लिए लोग अपनी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। प्रीत, 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 उठो। आप कब उठे? मैं तो सुबह 4 बजे उठ गया था, वॉक पे भी गया था। हफ्ते में सिर्फ 2 बार वॉक पे जाते हो। कम से कम जाता तो हूँ। हफ्ते में 2 दिन वॉक पे तो चले जाते हो, मेरे साथ लॉन्ग वॉक पे कब चलोगे? क्या बात है, सुबह सुबह रोमांटिक हो रही हो। अब तुम हो ही ऐसे, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो। तुम्हें सब कुछ तो दे चुका हूँ, ये टाइम क्या चीज है। तो ठीक है फिर, अपना आज का सारा दिन मुझे दे दो। आज का दिन तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। प्लीज यार गुस्सा मत हो, आज ऑफिस में बहुत काम है और मेरे को जल्दी भी जाना है। जब काम इतना जरूरी है तुम्हारे लिए तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? वो ऑफिस की चेयर कुर्सी से फेरे ले लेते। अरे यार काम नहीं करूंगा तो तुम्हें खुश कैसे रखूंगा? अच्छा शादी से पहले भी तो तुम बेरोजगार थे, तब भी तो खुश थी ना तुम्हारे साथ। अब क्यों ये काम तुम्हारा हमारे प्यार के बीच में आ रहा है? अब ये भी तो जरूरी है ना, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। प्यार से पेट नहीं भरता ना, हाँ तो ठीक है जाओ फिर। अच्छा अब चाय तो बना दो, अब क्या बिना चाय पी ऑफिस जाऊंगा? प्यार से तो पेट नहीं भरता ना, तो जाओ, आज पीने को चाय भी नहीं मिलेगी। वही ऑफिस में जाके ना अपने काम से पेट भरना। सुबह सुबह थोड़ा रोमांटिक हुई थी, वो भी पसंद नहीं आता, और खुद से तो रोमांटिक हो ही नहीं जाता। प्यार प्यार बोल के शादी कर ली और अब इनसे प्यार भी नहीं दिया जाता, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अच्छा तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ। हाय कितना अच्छा मौसम है ना। तुमने अच्छा नहीं किया, बाहर से ही खाना था तो शाम को चल लेते। शाम को चल लेते तो शाम तक क्या मैं भूखी रहती? उठा लो। कोई जरूरत नहीं है यार, उठाने दो, बॉस को कम से कम बता तो दू, लेट आऊंगा मैं। अगर तुमने कॉल उठाया ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हे भगवान क्या करूं मैं। कर लो बात। अच्छा ठीक है ना, नहीं कर रहा, तुम खाने का ऑर्डर दो। नहीं मेरा मूड ऑफ है। अच्छा जी, मैडम का मूड ऑफ है, अभी ठीक कर देता हूँ तुम्हारा मूड। इधर देखो। क्या है? बस ऐसे ही, तुम्हें शाम तक देखता रहूं। कुछ भी। वो जो मुझे देख के हंसे, पाना चाहूं रात दिन जिसे, रबा मेरे नाम कर उसे, तनु दिल दा वास्ता, रबा या दर पे यार के, सारा चाहा छोड़ छाड़ के, मेरे सपने सवार दे। ऐसे क्या देख रही हो? जब देखने को बोलो तो देखती नहीं हो। तो मैं कौन सा तुम्हें देख रही हूँ? तो फिर इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? खुश हो इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। कितने टाइम बाद हम दोनों ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, शादी के बाद। वैसे मन तो मेरा भी करता है, लेकिन क्या करूँ, कमबख्त ये काम बीच में आ जाता है। हाँ हाँ रहने दो, पता है मुझे, मुझसे ज्यादा तो तुम्हें इस काम से ही प्यार है, तभी तो हमेशा उसी की साइड लेते रहते हो। चलो अब। हाँ वैसे तुम घर चली जाओगी, मैं। हाँ हाँ समझ गई, आपको ऑफिस जाना होगा, चली जाऊंगी मैं।
कमिंग। टाइम देखा है रुस्तम तुमने, इतनी लेट क्यों आए हो? सॉरी मैम, वो ना वाइफ को लंच पे लेके गया था। अच्छा, तो तुम उसे डे में ही लेके चले गए थे? अगर दोपहर में लेके जाता तो ऑफिस नहीं आ पाता ना, और वो बहुत जिद्दी है। अच्छा वो सब तो ठीक है, बट मैंने तुम्हें कॉल करा था, तुमने अटेंड क्यों नहीं करा? वो वाइफ सामने बैठी थी। अच्छा तो अब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। वैसे बेबी अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारा वेट कर लेती। क्या करूँ बेबी, वाइफ को भी तो टाइम देना जरूरी है ना। वैसे तुम मुझे टाइम कब दोगे? पूरा दिन तो ऑफिस में तुम्हारे साथ ही रहता हूँ ना मैं। यार पूरा दिन तो ऑफिस में मेरे साथ स्टाफ भी रहता है, मुझे तुम्हारा प्राइवेट टाइम चाहिए। ऑफिस का काम छोड़ के पूरा दिन तो तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, और कितना टाइम चाहिए? जितना तुम अपनी बीवी को देते हो उतना टाइम। उसके साथ तो सिर्फ मेरी सुबह होती है, सूरज उगने के बाद तो मैं तुम्हारे साथ ही होता हूँ। यार बट मुझे भी तुम्हारे साथ रातें गुजारनी है, और मुझे भी वो वक्त चाहिए जो तुम अपनी बीवी को देते हो। अच्छा अब ऑफिस का काम कर लूँ, मुझे फाइल्स देखनी है। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ऑफिस का काम देखने की, तुम तो सिर्फ मुझे देखो। अच्छा आज कुछ ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो रही हो? अगर किसी ने देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। ये सब तो मुझे सोचना चाहिए, आई गेस तुम्हें नहीं। अच्छा जी। हाँ और वैसे भी आज तो तुम ओवर टाइम करोगे ना। ओके बेबी। कहाँ रह गई आज, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। कहाँ रह गए थे आप, पता मैं कितना परेशान हो रही थी। वो यार आज बॉस ने ओवरटाइम करा लिया था। ओवरटाइम किस बात के लिए? अब दोपहर में ऑफिस जाऊंगा तो बॉस तो ओवरटाइम कराएगी ना। अच्छा ठीक है, ताना मारने की जरूरत नहीं है, एक दिन लेट क्या हो गए, आधी रात खा गई तुम्हारी। चलो एक काम करो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूं। नहीं नहीं रहने दो। क्यों खाना नहीं खाना? वो आज बॉस ने ऑफिस में खाना खिला दिया था मुझे। ओवरटाइम करवाएगी तो इतना तो करना ही पड़ेगा। चलो अब सो जाते हैं। सात बज के भी अभी तक सो रहे हैं? रुस्तम रुस्तम नहीं 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 सोने देती हूँ, वैसे भी रात को लेट आए थे और फिर हम सोए भी तो लेट थे। हाय सोते ही कितने प्यारे लगते हैं। मेरा बस चले ना, मैं ही इनकी बॉस बन जाऊँ और फिर सारे प्यार भरे काम करवाऊँ। चलो आज पतिदेव की स्पेशल चाय बना देती हूँ, उनकी आवाज़ लगाने से पहले चाय का कप वहाँ रख दूँगी। सुबह सुबह किसका कॉल आ गया? बॉस ये क्यों फोन कर रही है सुबह सुबह? इनको उठा देती हूँ, बात कर लेंगे। रुस्तम 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 तुम्हारी बॉस का कॉल आ रहा है। सोने दो यार, तुम बात कर लो। मैं क्या बात करूं, बोल देती हूँ कि सो रहे हैं। हेलो बेबी, तुम बोल क्यों नहीं रहे, कहाँ हो तुम? अरे तुम्हारी वाइफ आ गई क्या? चलो मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। बाय, लव यू बेबी। जिगर ते चोट
है जुदाई तेरे तो सजाए मौत है जुदाई तेरे तो टूट के प्रीत, तूने सुबह मुझे उठाया क्यों नहीं? लगता आज फिर ओवर टाइम करना पड़ेगा। मैंने उठाया था पर आप उठे ही नहीं। आपके बॉस का भी कॉल आया था। क्या? बॉस की कॉल? क्या बोला उन्होंने? पता नहीं, मैंने आपको दे दिया था, अब आप जाने। अच्छा ठीक है, तुम खाना बनाओ, मैं जरा बॉस से बात करके आता हूँ। हाय बेबी, वो जब तुमने कॉल किया था ना तो मैं शायद नींद में था यार, कुछ सुन नहीं पाया। ओह अच्छा, तभी मैं सोचूं कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे। वैसे मैं ये कह रही थी कि अगर तुम्हें आज रेस्ट चाहिए तुम रेस्ट कर लो, तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज ऑफिस आ जाऊँगा। वैसे ऑफिस में आज कुछ ज़्यादा काम है नहीं। काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम हो ना तुम्हारे साथ थोड़ा पर्सनल टाइम स्पेंड कर लूँगा, या फिर हम दोनों कहीं बाहर घूमने चल लेंगे। क्या बात है, आज बहुत चुप चुप हो। मन नहीं है बोलने का। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है कभी कभी। तुम्हें तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसे चुप चुप बैठी हो, कोई बात है क्या, कुछ छुपा रही हो? नहीं मैं क्या छुपाऊंगी, तुम कुछ छुपा रहे हो तो बता दो। मैं क्या छुपाऊंगा भला, मैं तो पूरी खुली किताब हूँ तुम्हारे लाइब्रेरी की, जब दिल करे तब पढ़ लेना। मैनू जी दे करके छड़िया, दिल अपने जो कटिया, मैनू जी दे करके छड़िया, दिल अपने जो कटिया, ओनू छड़ दिता या हले भी ना ले। ओ बेशरम ओ बेहया ओ बेवफा, तेरा की हाल है, तेरा की हाल है, शर्म ओ बे हया ओ बे वफा, तेरा की हाल है, तेरा की हाल है। बहुत थके थके लग रहे हो। हाँ यार, आज ऑफिस में बहुत काम था, बॉस ने बोला आज भी ओवर टाइम कर लो, उनसे लड़ के आया हूँ आज। क्यों नहीं किया? पागल हो क्या, सारा टाइम बॉस को दे दूंगा क्या? तुम भी तो मेरी लाइफ में, तुम्हें भी तो देना है टाइम। अच्छा इतना प्यार करते हो मुझसे? जितना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा। पर लगता तो नहीं है। प्यार कोई लगने वाली चीज थोड़ी ना है, उसे तो महसूस करते हैं। बट तुम्हें तो मेरा प्यार कभी महसूस ही नहीं हुआ। क्या बोल रही हो, तुम्हें भी पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे भी यही लगता था जब तक मुझे हकीकत नहीं पता थी। कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो रुस्तम, तुम्हें तो एक्टिंग की लाइन में आना चाहिए। कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलोगी?
अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। रुस्तम, एक बीवी हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, पर उसके पति का अफेयर नहीं। अफेयर? कैसा अफेयर? रुस्तम, तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है, सब सच बता दो। सच? क्या सच बता दूं, जब मैं तुमसे कुछ छुपा ही नहीं रहा हूं। ये वीडियो तुम्हारे पास कहां से आई? मैंने बनाई है, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें, मेरे प्यार का गला घोटते हुए, मेरे भरोसे पे हंसते हुए। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए रुस्तम, तुम्हारे प्यार के लिए मैंने अपने घर वालों तक को छोड़ दिया, और तुमने तुमने मेरे हिस्से का प्यार किसी और को दे दिया। प्रीत, समझो, मैं तुम्हें सब समझाता हूं। मुझे कुछ नहीं समझना रुस्तम, मुझे कुछ नहीं समझना। तुम मुझे समझाते समझाते मुझे पागल बनाते गए, और मैं पागल बनती चली गई। मुझे लगता था कि तुम जॉब पर जा रहे हो हमारे फ्यूचर के लिए, पर तुम तो प्रीत, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, वो मैं बस उसके चक्कर में बह गया था। क्या तुम बह गए थे? रुस्तम, सोचो अगर तुम्हारी जगह मैं होती और मैं ये सब कर रही होती तो तुम्हें कैसा फील होता? बिल्कुल वैसा ही फील मुझे हो रहा है। खैर छोड़ो, तुम्हें ना तुम्हें मेरी कदर नहीं है, पर शायद जो मैं मर जाऊं कदर हो। प्रीत, क्या बोल रही हो तुम? प्रीत, 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 क्या हुआ तुम्हें? प्रीत आगे खोलो, प्रीत, प्रीत। अल्लाह ने जिंदगी सिद्धी कर देंदा, जिंदगी सिद्धी कर देंदा, सब कुछ पुठा ही रह गया। मेरी वारी ते लगदे तू रब्बा सुत्ता ही रह गया, मेरी वारी ते लगदे तू रब्बा सुत्ता। और वो सही कहती थी, जीते जीते तुमने मेरी कदर की नहीं, शायद मरने के बाद मेरी कदर करो। मेरी वारी ते लगदा तू रब्बा सुत्ता ही रह गया, मेरी वारी ते लगदा तू रब्बा सुत्ता ही रह गया। अल्लाह।